हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है, इंडियन कैपिटल मार्केट या भारतीय पूंजी बाजार। अभी तक बच्चों हम लोग इसमें जो डिस्कस कर चुके हैं जो चीज़ें, तो अगर हम उसको रिमाइंड कराएं तो हम लोगों ने सेवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका है उसको हम लोगों ने देखा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इंडेक्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, इंडेक्स कैसे कौन सी स्थितियों से प्रभावित होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, अब इस कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जो है कैपिटल मार्केट के इस सेक्शन में, यानी अगर हम कहें इंडियन कैपिटल मार्केट जो है उसके इस सेक्शन में, जो आपका ये सेकंड सेक्शन है, इसमें हम उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों पर हम आते हैं, और सबसे पहला वर्ड है ऑथराइज कैपिटल। Authorized capital। तो आज आपको समझना ज़्यादा है, सुनना और समझना ज़्यादा है। आज आपको बहुत सारे फैक्ट्स की तरफ नहीं जाना है और बहुत सारे डेटा इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आज आप सुनकर चीज़ों को समझ सकते हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर हम कहें कैपिटल मार्केट के अंतर्गत ये क्या है, तो देखिए अगर हम उदाहरण से इसको बताएं, अगर हम परिभाषात्मक रूप से कहें तो सेबी द्वारा अधिकृत या ऑथराइज्ड वो कैपिटल, वो पूंजी जिस पूंजी के लिए कोई भी कंपनी आईपीओ या शेयर जारी करती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप उदाहरण से कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का जो है वो उसने प्लान किया कि हम एक नया जो है 5G प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, और जिसके लिए हम मार्केट से 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना चाहते हैं। 50,000 करोड़ हमें पूंजी चाहिए मार्केट से। ठीक, अब इसके लिए उसको मार्केट से अगर चाहिए, बैंक से जो लेना है उसने ले लिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर की परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी, ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, ये परमिशन किससे लेंगे, सेबी से। तो अब सेबी रिलायंस की मार्केट वैल्यू और क्रेडिट के बेसिस पर अगर इसको ये पूरी की पूरी परमिशन दे देता है कि आप 50,000 करोड़ रुपए का ऑथराइज्ड हैं कि कैपिटल पाने के लिए, गेन करने के लिए आप आईपीओ या शेयर जारी कर सकते हो, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हो गया, 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल जिसकी पर, जिसको ऑथराइज किसने किया, सेबी ने किया। ठीक है, और अब इसी तरह ये तो रिलायंस का एग्जाम्पल हुआ, हो सकता है अब मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है एयरटेल। अब एयरटेल ने बोला कि हमें भाई 20,000 करोड़ का आईपीओ जारी करने की अनुमति दी जाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि सेबी उसको उतने की अनुमति दे, उसके मार्केट वैल्यू और क्रेडिट के बेसिस पर हो सकता है उसको 10,000 करोड़ के लिए ऑथराइज किया जाए। तो वो 10,000 करोड़, डिमांड तो 20,000 करोड़ की थी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए ही माना जाएगा कि सेबी ने उसको जो है वो 10,000 करोड़ के लिए क्या किया, ऑथराइज्ड किया है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो सेबी द्वारा निर्धारित या निश्चित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने आईपीओ या शेयर जारी कर सकती है, जिस सीमा तक कोई कंपनी, जिस लिमिट तक कोई कंपनी अपने शेयर या आईपीओ जारी कर सकती है, उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक, अब अगला वर्ड है
एट पार। ठीक है, अगले वर्ड पर आते हैं, एट पार। अब जब किसी भी कंपनी को अगर हम ये कहें कि इसकी परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले उस पर आएं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर या आईपीओ पर प्रिंटेड जो प्राइस होता है, यानी ऑथराइज जो प्रिंटेड प्राइस है, उसी पर उसको सेल कर देती है, तो उसे एट पार कहते हैं। अभी इसके बाद आएगा एक एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब उससे ज़्यादा वैल्यू पर उसे अगर वो सेल करती है तो। ठीक है, अब जैसे इसको समझेंगे कैसे, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस को 50,000 करोड़ के लिए परमिशन मिली। ठीक है, 50,000 करोड़ के लिए परमिशन मिली। ठीक, अब उसने तय किया कि हम 50,000 करोड़ रुपए को जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने शेयर की वैल्यू रखेंगे 2,000 रुपए, मतलब 2,000 रुपए पर शेयर। अब इसको 2,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने शेयर बनेंगे उतने शेयर का इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं। तो 2,000 रुपए उन्होंने अपने आईपीओ या शेयर पर इसको अंकित करवाया, यानी प्रिंट कराया। अब वो अगर मार्केट में उसी प्राइस पर, जो प्राइस लिखा गया है उसी प्राइस पर अगर मार्केट में वो सेल कर देते हैं, तो ये कहा जाएगा कि रिलायंस ने एट पार पे अपने आईपीओ या शेयर को बेचा। ठीक है, या जारी किया। ठीक है, रिलीज किया या जारी किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपनी अपने शेयर या आईपीओ को उसी कीमत पर जारी करती है जिस कीमत को अंकित किया गया है, यानी अंकित मूल्य पर, प्रिंटेड प्राइस पर जारी करती है, तो उसे कहते हैं एट पार। ठीक, अब अगला वर्ड है एट प्रीमियम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब बच्चों ये वर्ड एट पार के बाद मैं अगर कंपेयर करूं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कंपेयर करना। तो जो एट पार है वो आपको समझ में आ गया कि कंपनी अगर ऑथराइज्ड वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू पर अपने शेयर को बेच देती है तो उसे एट पार कहते हैं। यदि कोई कंपनी ऑथराइज्ड या प्रिंटेड वैल्यू से अधिक मूल्य पर अपने शेयर को बेचती है तो उसे एट प्रीमियम कहा जाता है, शेयर को एट प्रीमियम पर। ठीक है, अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कंपनी को ऑथराइज किया गया 2,000 रुपए प्रति शेयर, ऑथराइज किया सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंट कंफर्म हो गया, फिर प्रिंटेड वैल्यू ये हो गया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि इस एट पार पर इसको अगर बेच दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब ये कहा जा रहा है एट प्रीमियम, मतलब इस वैल्यू से, जो एट पार का वैल्यू है, इस वैल्यू से अधिक मूल्य पर। अब ये शेयर अगर मार्केट में बिकने लगा 3,000 रुपए का, ऑथराइज्ड वैल्यू 2,000 है और एट प्रीमियम 3,000 है, ऐसा कब होता है? ऐसा कंपनी की मार्केट वैल्यू के आधार पर होता है। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो उसका जो प्रोडक्ट है उसमें लोग जो है उस समय, अब ये मत सोचिएगा कि 2,000 रुपये प्रति शेयर रखा तो उसका जो टोटल जो कैपिटल गेन है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, तब कंपनी कम शेयर बेचेगी क्योंकि उसको मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल कितना दिया गया है, 50,000 करोड़। तो कम अगर 3,000 का एक शेयर बिका तो उसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब सीधी सी बात है कि 2,000 रुपए का अगर शेयर बेचा तो ज़्यादा शेयर बेचे, और अगर 3,000 या 4,000 का शेयर खरीदा गया तो कम शेयर। टोटल वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, टोटल वैल्यू 50,000 करोड़ पहले भी होगा और 50,000, जैसे ही 50,000 करोड़ का वैल्यू आ गया तो उसका वहीं पर अब रुक गया, मतलब अब उसने अपना शेयर बेचना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब बिक रहा है तो आओ चलते जाओ जितना मर्जी उतना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको ऑथराइज किया गया है। तो अब यहां पर अगर हम देखें एट प्रीमियम क्या है,
तो जब किसी कंपनी के द्वारा ऑथराइज्ड वैल्यू से ज़्यादा ऑथराइज्ड जो मूल्य है, अधिकृत मूल्य है, प्रिंटेड वैल्यू है, उससे अधिक मूल्य पर अपने शेयर को जारी किया जाता है या बेचा जाता है, तो उसे एट प्रीमियम कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि कैसे ज़्यादा हो सकता है, तो कंपनी की क्रेडिट, कंपनी की मार्केट वैल्यू के कारण उसका जो ये प्राइस है वो ज़्यादा हो सकता है। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है रिलायंस का अभी लॉकडाउन पीरियड में आया हुआ आईपीओ। रिलायंस का लॉकडाउन पीरियड में जब आईपीओ आया तो उसका प्राइस जो है, जो प्रिंटेड वैल्यू था, उससे ज़्यादा था। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे कि रिलायंस जो है उसके जो ओनर हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, वो दुनिया के इसी लॉकडाउन पीरियड में दुनिया के या विश्व के टॉप 10 बड़े अमीरों में शामिल हो गए हैं, टॉप 10। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आज उनका जो कैपिटल है 12 लाख करोड़ का जो है, जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि उस कंपनी की गुडविल, उस कंपनी का बिजनेस, उस कंपनी के प्रॉफिट, ठीक है, उन सब चीज़ों को। तो अगर ऐसी कंपनी है, वो ब्लू चिप कंपनी मानी जाएगी, तो अगर ऐसी कंपनी में कोई वैल्यू की बात की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एट प्रीमियम पर वो कंपनी बहुत आराम से जारी कर सकती है। बस शर्त ये है कि टोटल जो ऑथराइज कैपिटल है वो इसके कारण नहीं बढ़ेगा, वो ऑलरेडी उतना ही रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क। अब अगले वर्ड पे आते हैं हम लोग एट प्रीमियम के बाद। नेक्स्ट है डिविडेंट या लाभांश। तो अगला वर्ड है डिविडेंट या लाभांश। मैं हिंदी वर्ड यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी वर्ड जो है वो कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहा है। लाभांश यानी लाभ का अंश। ठीक है, तो लाभांश या लाभ का अंश ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड या लाभांश, जब कोई कंपनी, आप क्योंकि आप कंपनी का अगर शेयर खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर हो गए कंपनी के, आप एक शेयर ले रहे हो, कोई 1000 शेयर ले रहा, कोई 100 शेयर ले रहा, बट वो कंपनी का एक पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो शेयर ले रहा है, कंपनी का पार्ट हो गया, जब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को मनी ट्रांसफर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसे कहते हैं लाभांश। मनी ट्रांसफर के रूप में, ठीक है। तो अब जैसे किसी भी कंपनी को, सपोज दैट वो उसकी पॉलिसी है, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। तो अब जैसे किसी कंपनी को मान लो सपोज दैट 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसने तय किया कि हम इसका 20% अपने जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो अब 20% मतलब उसने 20 करोड़ रुपए जो है, अब ये डिसाइड कर लिया कि हम 20 करोड़ रुपए वो अपने शेयर होल्डर्स में, अब उसके 1000 अगर मान लीजिए शेयर होल्डर हैं, सॉरी शेयर्स हैं, ठीक है, 1000 शेयर हैं, ठीक है, अब वो 20 करोड़ जो है वो 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब पर शेयर जो भी रेशियो आएगा, हो सकता है 10 रुपये पर शेयर आ रहा, हो सकता है 100 रुपये पर शेयर आ रहा, जो भी आएगा वो उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, जो शेयर होल्डर होगा उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये लाभांश क्या है? लाभांश कंपनी के नेट प्रॉफिट का वह भाग जो कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को मनी ट्रांसफर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या
वितरित किया जाता है, किसके रेशियो में, शेयर के रेशियो में, ठीक है, शेयर के अकॉर्डिंग इसको वितरित किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने अगले वर्ड पर, और डिविडेंड के बाद जो है वो अगला वर्ड है शायद बोनस इशू। बोनस इशू, बोनस इशू, बोनस शेयर, बोनस इशू। अब ये तो आज की बिजनेस का फंडा है बोनस, ठीक है। जैसे क्या है, आप समझ सकते हो कि किसी भी मॉल में जाते हो आप, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप एडवर्टीजमेंट में देखते हो, तो अक्सर क्या होता है कि 4 के साथ 1 फ्री, 5 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, कभी कपड़े पे है, कभी किसी साबुन पे है। हाँ, तो सेम ऐसा ही यहाँ भी है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उसके पास प्रेजेंट या उपस्थित शेयर के अनुपात में कुछ शेयर फ्री में अलॉट कर देती है, आवंटित कर देती है, तो उसे कहते हैं बोनस इशू। सीधी सी बात है कि कोई कंपनी अगर ऐसा करती होगी तो किस लिए करती होगी, कि हमारे जो शेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, ठीक। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ONGC ने ये प्लान बनाया कि हमारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं अगर उनके पास 10 शेयर हैं तो 10 के अनुपात में हम 1 शेयर उनको फ्री अलॉट करेंगे, ठीक है। तो अब 1 शेयर मान लो 1200 रुपये का है, तो 10 शेयर हैं, उसने 12,000 रुपये लगाए हुए हैं, उसको 1200 का 1 शेयर उसको अलॉट हुआ फ्री में, ठीक है। तो वो यहाँ सीधा सा है कि बोनस इशू है, बोनस में उसको फ्री में उसको वो मिला उसके शेयर के अनुपात में। तो लाभांश क्या था, मनी ट्रांसफर था, लेकिन बोनस इशू क्या है, शेयर है, शेयर के अनुपात में आपको शेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां शेयर के अनुपात में मनी आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और यहां शेयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि बोनस इशू क्या है, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को उसके पास प्रेजेंट शेयर के रेशियो में या अनुपात में शेयर प्रोवाइड करती है या बॉन्ड प्रोवाइड करती है, तो उसे हम बोनस इशू कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया बोनस इशू या बोनस शेयर। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले वर्ड की, कुछ और वर्ड्स की तरफ चलते हैं, स्टैग, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द आने बाकी हैं, ठीक है। तो अगला कैपिटल मार्केट से रिलेटेड वर्ड है स्टैग, ठीक है। स्टैग ये शेयर होल्डर होते हैं, और ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो किसी भी कंपनी के IPO को लेने में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी ऐसे शेयर होल्डर्स जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर और IPO खरीदते हैं, ठीक। अब आपको कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको लगेगा ये कौन सी मार्केट है और ये कैसा है, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में रिलायंस ने अगर IPO जारी किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO जो जारी किया वो प्रारंभिक शेयर था, मतलब फ्रेश शेयर था जो कंपनी से डायरेक्ट कौन खरीद रहा था, शेयर होल्डर परचेज कर रहा था। अब सपोज दैट मान लो लॉकडाउन पीरियड में मई में जो है ये IPO जो है ए पर्सन ने ले लिया, ठीक, ए पर्सन ने मई में ये ले लिया, ठीक है। तो अब ये कहा जाएगा कि ये स्टैग है क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहा है किस में, प्राइमरी मार्केट में। लेकिन अब बी पर्सन जो है उसने जुलाई में ए से शेयर खरीद लिया, इस शेयर को ए से खरीद लिया, तो बी ने सेकेंडरी मार्केट में परचेस पैसा लगाकर परचेस किया जुलाई में, और ए ने कब लगाया था, जब वो IPO जारी हुआ था। अभी अगर मान लो कोई सी पर्सन है तो सी पर्सन जो है
वो कब ले रहा है, वो मान लो सितंबर में ले रहा है, तो वो भी सेकेंडरी मार्केट में है, प्राइमरी मार्केट में कौन माना जाएगा? ए। तो कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो केवल प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बी और सी वाली मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ ए वाली मार्केटिंग करते हैं, किसी भी कंपनी के आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी प्राइमरी मार्केट के शेयर का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर जारी करे, आईपीओ जारी करे और हम जो है उसको परचेज कर लें, ठीक, और फिर उसके बाद उसको रखते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस करते हैं, ठीक है, और उनको सेल करना है तो सेल तो वो करना अलग मैटर हो गया, बट जो सीधा सा है कि स्टैक कौन है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो प्राइमरी मार्केट में पूंजी का निवेश करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आईपीओ या शेयर खरीदते हैं और सेकेंडरी मार्केट में वो नहीं परचेज करते, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्टैक, ठीक। तो ऐसे लोग जो है वो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके ऐसे जो भी करते हैं, ठीक है, और वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में उसको लेकर चलते हैं और ये करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप बिल्कुल इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट अगर ये मार्कर है, ठीक है, ये बिल्कुल नया मार्कर है, सील्ड है, ठीक। अब ये मार्कर मैं शॉप से लेकर आया, ठीक है, अब सपोज दैट ये 25 रुपीज़ का है, तो 25 रुपीज़ का मान लो ये शेयर है, ठीक है, ये मैंने जो है वो कैमलिन से लिया, ये शेयर है तो कैमलिन से हमने ले लिया, तो हम इस और हम नया ही ले रहे हैं, कैमलिन से डायरेक्ट ले रहे हैं, कोई बी पर्सन है वो जो है वो यूज्ड मार्कर ये है, ठीक है, वो यूज्ड मतलब कि एक बार हमने परचेज किया फिर उसके बाद अब दूसरा जो है वो ले रहा, तो ये सेकेंडरी मार्केट में जा रहा है, प्राइमरी में कौन है जो हमने डायरेक्ट कंपनी से लिया, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर आपके शेयर के अंतर्गत होता है। अब अगले वर्ड पर आते हैं, इनसाइडर, जिस पर अब सेबी ने रोक लगा दी है, इनसाइडर। इनसाइडर ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे शेयर धारक होते हैं जो किसी कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर अपने पास रखते हैं, 10% या उससे अधिक शेयर। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को इनसाइडर कहते हैं, ठीक। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनसाइडर इसका मतलब एक बड़ा शेयर होल्डर हो गया, ठीक है, और वो शेयर होल्डर जो कंपनी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 10% या उससे अधिक शेयर रखने वाला ही इनसाइडर कहा जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बोला कि सेबी ने इस पर रोक लगा दी है, सेबी के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और जिसके द्वारा इनसाइडर पर रोक लगा दी गई कि कोई भी इनसाइडर यानी कि 10% या उससे ज़्यादा शेयर नहीं ले सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे थे, जिसके कारण जो है कंपनियां प्रभावित हो रही थी और इसलिए इस पर रोक लगा दी गई, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि इंडियन कैपिटल मार्केट हो या कोई भी कैपिटल मार्केट हो, ऐसा नहीं कि इंडियन कैपिटल मार्केट में ही ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये किसी भी कैपिटल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, कोई कंपनी है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन अब मैं कुछ शब्दों की ओर चल रहा हूँ जो ना तो शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी है, वो ब्रोकर है, ठीक है। और यहां पर जो ब्रोकर या एजेंट है, जो ब्रोकर या एजेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जो इससे रिलेटेड शब्दावली है वो तीन प्रकार के ब्रोकर या एजेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तीन प्रकार के। ये तीन प्रकार के ब्रोकर या एजेंट, पहला बुल्स है, दूसरा बियर्स हैं और तीसरा जॉबर, ठीक है, बुल्स, बियर और जॉबर।
ये तीनों ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, दलाल हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आप तो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी बन गई है, पहले तो एक पर्सन ही ब्रोकिंग का काम कर रहा है, लेकिन अब ब्रोकिंग कंपनी बन गई है। इंडिया बुल्स क्या है, ब्रोकिंग कंपनी है। रैली गेयर ब्रोकिंग कंपनी, शेयर खान ब्रोकिंग कंपनी है, पूरी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। उसका कारण क्यों है, क्योंकि देखिए जो कैपिटल मार्केट है उसकी टेक्निकलिटी जो है वो सबको नहीं पता होती है, ठीक। अब किसी भी शेयर के वैल्यू का कब बढ़ना है, कब गिरना है, क्या प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है, इसकी एनालिसिस जो है एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो करेगा तो फिर वो उसको प्रोफेशनली वो काम करना पड़ेगा और उसका इन्वॉल्वमेंट फिर उसी से रिलेटेड रहेगा, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि रात में यूएस की मार्केट है, दिन में इंडिया की मार्केट है, हर एक मार्केट वैल्यू को देखना, सब कुछ करना, हमारी कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, तमाम वर्ल्ड की मार्केट से हम जुड़े हुए हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंज जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्निकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये जो ब्रोकर्स हैं, ये समझ लीजिए आपकी बैकबोन ऑफ कैपिटल मार्केट, पूरा कैपिटल मार्केट इन ब्रोकर्स के सिस्टम पर चलता है। और इसीलिए आपने देखा था सेबी जो है इनको कंट्रोल करने का काम करता है, इनको डायरेक्शन देने का काम करता है पूरी तरह से। अब जैसे सपोज दैट हमें आपको जो है शेयर लेना होगा, तो हमें नहीं पता है कि किस कंपनी का शेयर हमें प्रॉफिट देगा, किस कंपनी का शेयर हमें लॉस करेगा, ठीक है। तो हम किसी न किसी ब्रोकिंग एजेंसी के पास जाएंगे या किसी न किसी ब्रोकर के पास जाएंगे और उस ब्रोकर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंपनी डायरेक्ट हमसे नहीं जुड़ी हुई है, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच कौन है, ये ब्रोकर की चेन है, ठीक, जो कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, इस तरह से वो घूम रहा है। तो और उसी के अकॉर्डिंग पूरी मार्केट चलती है, ठीक। अब यहाँ पर इन तीन वर्ड्स की तरफ चलते हैं जो ब्रोकर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुल्स। बुल्स हिंदी में बोलते हैं तेजड़िया, तो अब हिंदी वर्ड में आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, तेजड़िया तेजी लाने वाला, बुल फाइटर बहुत एग्रेसिव, ठीक। तो बुल तेजड़िया तेजी लाने वाला, यानी ऐसा शेयर ब्रोकर। अब ब्रोकर तो है ना, ये भी ब्रोकर है, ये भी ब्रोकर, इसमें कोई संशय नहीं है ना, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा शेयर ब्रोकर जो किसी शेयर के मूल्य में तेजी लाने के लिए, ठीक। तो इसका मतलब, इसका काम क्या है, शेयर के मूल्य में तेजी लाने का प्रयास। तो ये शेयर के मूल्य में तेजी लाने का प्रयास करता है, ये ऐसा शेयर ब्रोकर है। अब उसके लिए क्या करता है बुल, उसके लिए क्या करता है, तो पहला काम ये जो करता है, शेयर को खरीद कर स्टॉक कर लेता है, ठीक है, डंप कर लेता है, स्टॉक कर लेता है या डंप कर लेता है। अब इससे क्या होगा, इससे बाजार में, बाजार मतलब शेयर बाजार, बाजार में मांग की तुलना में, डिमांड की तुलना में पूर्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तो शेयर को खरीद कर स्टॉक कर लेता है, डंप कर लेता है, जिससे मांग
डिमांड की तुलना, डिमांड तो है लेकिन उसकी तुलना में पूर्ति या सप्लाई कम हो जाती है, तो डिमांड की तुलना में सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। और अब क्या होगा, शेयर मूल्य या शेयर वैल्यू, शेयर मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, शेयर मूल्य बढ़ जाता है, शेयर वैल्यू बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आम का सीजन अब जाने वाला है, ठीक, बहुत मार्केट में अच्छे आम कम हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो मंडी के बड़े होलसेलर्स हैं, व्यापारी हैं, जो मंडी वाले हैं, वो किसान और हमारे बीच क्या हैं, किसान और हमारे बीच वो ब्रोकर हैं, वो एजेंट हैं, वो किसान से उन्होंने जो है बाग वाले से उन्होंने आम को लिया और उसके बाद वो फल वालों को बेच के और हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि वो अगर आम को डंप कर लें, आम को ये क्या कर रहे हैं, शेयर को खरीद कर स्टॉक कर लेता है, आम को वो परचेज करके और स्टॉक कर लें और ये मार्केट में फैला दें कि ये आम अब मार्केट से जाने वाला है, इसका सीजन अब जाने वाला है, जो खा लो खा लो, ठीक है। तो ऐसे में बाजार में मांग बढ़ जाएगी, मांग अब जाने वाला है, मांग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, भैया आम अब खा लो जो भी अच्छा आम मिले, ठीक। पूर्ति क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक कर लिया, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका आम का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपने बैंकिंग में भी देखा है कि जब जो है किसी भी चीज़ की डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होगी तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये बुल्स जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इनको किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक। तो अब इन्फोसिस के शेयर के वैल्यू को बढ़ाना है, इन्होंने इन्फोसिस का जो मार्केट में शेयर है उसको परचेज कर लिया और परचेज करके उसको डंप कर लिया और ये मार्केट में र्यूमर फैला दिया कि आगे चलकर भविष्य में इन्फोसिस का जो शेयर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब ऐसे में मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, केवल स्टॉक से तो काम नहीं चलेगा। तो डिमांड र्यूमर से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, कि लोग चाहेंगे इन्फोसिस का शेयर। अभी जो अगर मान लो 200 रुपए का शेयर है और इन्फोसिस जो है उसको 300 400 रुपए में इन्फोसिस का शेयर मिल रहा है और उसको ये पता है कि कल को ये 800 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, 200 वाला 250 में ले लो, 300 में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में डिमांड बना दी गई, उसकी डिमांड बनाई गई किसके द्वारा, बुल्स के द्वारा। और फिर जो है वो जब डिमांड बन गई तो धीरे धीरे सप्लाई मार्केट में शुरू करेंगे, जो स्टॉक है उनके पास वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे। कोई बोलेगा मुझे 100 शेयर चाहिए, अरे भाई 100 अभी नहीं है, फिलहाल 20 हैं, 20 से काम चलाओ, ठीक। अब उसका प्राइस बढ़ता जा रहा, और चाहिए तो इतना रुपए दे दो, इससे और मिल जाएगा, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, तो ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ तो शेयर की बात है, अगर स्टॉक करके र्यूमर फैला दो तो हमारे यहाँ तो नमक 10 रुपए का जो पैकेट है नमक का, वो भी 100-200 रुपए में बिका है कि नहीं, आपको अगर याद होगा तो र्यूमर फैलाकर इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू बहुत आराम से बढ़ाया जा सकता है, बस र्यूमर फैला दो आप और स्टॉक कर लो, तो ये तो शेयर है, यहाँ तो श्योर है कि ऐसा बहुत आराम से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीयर्स की, जस्ट इसका अपोजिट, ये वो शेयर ब्रोकर्स हैं, ये वो एजेंट हैं जो क्या करते हैं, शेयर के मूल्य में कमी लाने का प्रयास, शेयर के मूल्य में कमी लाने का प्रयास करते हैं। अब इसके लिए ये क्या करेंगे, शेयर की तेजी से बिक्री करते हैं, जो भी इनके पास शेयर हैं उसकी बिक्री करते हैं, यानी स्टॉक नहीं कर रहे हैं, सब रिलीज कर रहे हैं। अब क्या होगा,
बाजार में, मार्केट में, बाजार में, बाजार में मांग की तुलना में, मांग की तुलना में पूर्ति, डिमांड की तुलना में पूर्ति या सप्लाई अधिक हो जाती है, यानी जितनी मांग है उससे ज्यादा सप्लाई हो जाती है, तब क्या होगा? शेयर का मूल्य कम हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ये मंदड़िए है, बियर्स मतलब मंदड़िए, मंदी लाने का प्रयास। ऐसे शेयर ब्रोकर्स जो किसी विशेष शेयर में मंदी लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बियर्स। अब ये क्या करते हैं, शेयर के मूल्य में कमी लाने के लिए शेयर को तेजी से, जो भी इनके पास स्टॉक है, बेचो और मार्केट में र्यूमर फैला देते हैं कि इसमें लॉस होने वाला है। लॉस होने वाला है तो बोलेगा कोई, यार कल को हमारा ये 200 रुपए का शेयर जो है वो 100 रुपए में हो जाएगा, 150 में बेच दो चलेगा, 120 में बेचो, जो कुछ भी मिलेगा आओ लो, ठीक है। अब ये बता दिया लॉस होने वाला, ये बंद होने वाला है, तो फटाफट बेचना शुरू, ठीक है। तो ऐसे में जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि उसका वैल्यू घट जाएगा, ठीक। तो र्यूमर, अभी आप देखिए लॉकडाउन पीरियड में ही कई सारे ऐसे उदाहरण आए। इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे पहले जो है वो जो चिकन और अंडा था, लोगों ने इस पर शक जाहिर किया, र्यूमर फैला दिया कि इंडिया में कि चिकन और अंडे से जो है वो कोरोना हो जाएगा। तो अब बड़े बड़े मुर्गी फॉर्म में मुर्गियां ऐसे ही छोड़ दी गई, मार दी गई, अंडे फेंक दिए गए, सब डम वो जमीन में गाड़ दिए गए, और जहां जिसको जो है वो छोटे स्तर पर जो रखा था बेचारा व्यापारी जो खरीद कर, वो उसको सेल कर रहा है 25 रुपए, जो 200 रुपए का है वो 25 रुपए में, ठीक है। आप सोचो 10% 20 रुपए 25 रुपए में सेल कर रहा है, क्यों? उसमें सबसे बड़ी चीज क्या काम कर रही थी, र्यूमर। कहीं से भी WHO के द्वारा या किसी के द्वारा ये प्रूव हुआ कि चिकन मटन या किसी भी नॉन वेज की चीज से कोरोना होता है? नहीं हुआ ना। तो फिर इस तरह का र्यूमर फैलाकर उन्होंने क्या कर दिया, बियर वाला काम किया, बिल्कुल बियर्स वाला काम कर दिया, है कि नहीं, कि मार्केट में र्यूमर फैला दो और निकालो मार्केट में, फार्म हाउस वाले भी ले जाओ 10 रुपए का ले जाओ, ठीक है, अब ये खत्म होने वाला है, ठीक, जो मिल जाए। तो ऐसे में बाजार में मांग तो कम थी, पूर्ति क्या हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, उसका वैल्यू नीचे आ गया। सेम ऐसा ही वहां भी होता है, ठीक। मैंने अभी नमक वाला उदाहरण आपको यहां दिया, चिकन और अंडे वाला यहां दिया, जो नहीं खाता उसके लिए कुछ और उदाहरण हो जाएगा, वेज वाला जो है जो बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, राम 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 करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी मर्जी, हाँ। तो अब बात करते हैं जॉबर। अब ये ऐसा शेयर ब्रोकर है, ये भी शेयर ब्रोकर है, जो इन दोनों के बीच संतुलन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे शेयर मार्केट के लिए ये दोनों स्थितियां खतरनाक है। अगर किसी विशेष शेयर के मूल्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाए गलत तरीके से तो भी अच्छा नहीं है, कमी लाने का प्रयास किया जाए तो भी अच्छा नहीं, लेकिन मार्केट में होता है, सब सब चलता है बिजनेस में, ठीक है। लेकिन ऐसे समय में जब ये डिसबैलेंस कर सकते हैं मार्केट को, तो उस समय बैलेंस करने वाले इन जॉबर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे शेयर ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में, बाजार में या कैपिटल मार्केट में संतुलन लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात शेयर के मूल्य में अगर अनावश्यक रूप से तेजी हो रही है तो कमी लाने का प्रयास करते हैं, कमी हो रही है तो उसको बढ़ाने, यानी अगर ये स्थिति है कि स्टॉक हो रहा है तो वो सेल करेंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर ये स्थिति है तो मार्केट में वो डंप करेंगे और सप्लाई को कम करेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं इससे इनका क्या हित है, हित है अगर एक कंपनी दो कंपनी, क्योंकि ये प्रयास करेंगे एक दो कंपनी से पर्टिकुलर जुड़े होंगे, 4, 6, 10 कंपनी से जुड़े होंगे,
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत सारी कंपनियों से जुड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके शेयर मार्केट में इफेक्ट होंगे और उसको बेचने के लिए ये प्रयास करना जरूरी होगा, तो फिर उस वो काम ये करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों शेयर ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा और जो टर्मलॉजी चल रही है उसको बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था में मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल टर्म्स को भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बस उसको अपने आप से जोड़ लो, ये ध्यान रखो। और बच्चों इस समय आपको एक चीज़ और बता दें कि आप अपना केयर करिए और अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप अपने को सतर्क रखिए, क्योंकि इस समय स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है, तो उसका जो भी प्रॉपर ICMR के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं, WHO के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे वर्ग से बात कर रहे हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव क्लास से बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं बताना है कि आप ये करो वो करो, एक एक पॉइंट नहीं बताना है। मैं जब संस्थाओं का नाम ले रहा हूँ तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप हम जो है सतर्क रहें, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लापरवाही बड़े पैमाने पर अगर हो रही है तो वो हम अब प्रशासन या सिस्टम किसी के पीछे पीछे नहीं घूम सकता है, वो सिर्फ हमें गाइड कर सकता है, वो सिर्फ हमें निर्देश दे सकता है, उसका पालन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा निर्देश आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पालन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 100% पालन किया जाए, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, वो सेफ्टी के लिए है, तो वो अपने लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए है। ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जो भी आप यहाँ पर समझते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, उसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है, तो कुछ और टर्म्स की ओर चलते हैं। अगला है ब्लू चिप स्टॉक या ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप स्टॉक या ब्लू चिप शेयर, ठीक है, तो ब्लू चिप स्टॉक या ब्लू चिप शेयर की अगर हम बात करें तो ऐसे शेयर या ऐसी कंपनियों के शेयर जिसमें लाभ की संभावना अधिक होती है, जिसमें प्रॉफिट की संभावना अधिक होती है, उन्हें हम ब्लू चिप शेयर या ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। ठीक, क्लियर है, ऐसी कंपनियों के शेयर जिनमें लाभ की संभावना अधिक होती है उन्हें हम ब्लू चिप शेयर कहते हैं या ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक है, बैंक के जो शेयर हैं, ठीक, NTPC, ONGC, ऐसे शेयर्स हैं जिनमें लाभ की संभावना अधिक होती है। इन्हीं कंपनियों के शेयर के आधार पर एक अलग से इंडेक्स बनाया जाता है, BSE 500, BSE 100, BSE 50, ऐसा। ठीक है, तो ये बस ये है कि जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, अप डाउन वाला लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया कल प्रॉफिट हो गया, बट ये है कि वो स्थिर रहते हुए आपको प्रॉफिट प्रदान करते हैं। तो ऐसी कंपनियों को के जो शेयर होते हैं उन्हें हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो निरंतर लाभ में है वो ब्लू चिप कंपनियां हुई, और उनके शेयर या स्टॉक जो है जो ऐसी कंपनियों के, वो ब्लू चिप शेयर या स्टॉक हो गए। ठीक है, अब अगले वर्ड पे आते हैं। दो तीन वर्ड मुझे और कुछ नए से मिले थे तो मैं उसकी बात आपको कर दे रहा हूँ। ठीक है, हॉट मनी, हॉट मनी, ठीक,
हॉट मनी अगर हम कहें कि शेयर मार्केट में क्या है, हॉट मनी का रेफरेंस हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट के अंतर्गत दे रहे हैं, तो देखिए ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये ऐसा निवेश है जो अधिक लाभ प्रदान करता है, अधिक प्रॉफिट प्रदान करता है, अधिक लाभ प्रदान करता है, परंतु ये अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। यानी ऐसा कैपिटल, ऐसे कैपिटल में शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट जो आपको हो सकता है दो दिनों में बहुत बड़ा प्रॉफिट प्रदान कर रहा हो, बहुत, लेकिन उसका फ्लो बहुत तेज होता है, इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, जैसे विदेश की ओर जा रहा है, एक देश से दूसरे देश की ओर। और दूसरी बात ये होती है कि इसका जो प्रॉफिट है वो अनस्टेबल होता है, इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अनस्टेबल होती, अस्थिर होती है, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें हम तुलना करें, अगर ये प्रॉफिट विद स्टेबिलिटी, ये प्रॉफिट विद अनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये रिस्क प्रॉफिट है, ये नो रिस्क प्रॉफिट है या लो रिस्क प्रॉफिट है, और ये हाई रिस्क प्रॉफिट है, ठीक। इसमें आपको मिल भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, और मिलेगा तो बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे छोटे कंपनियों के शेयर में पैसा किसी ने लगाया, एक दिन में हो सकता है वो लखपति करोड़पति बन गया, लेकिन फिर भरोसा नहीं है कि वो फ्लक्चुएट करेगा, एकाएक वो नीचे जाएगा, फिर हो सकता है वो उछल गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि ऐसा निवेश है जिसमें अधिक लाभ के साथ अस्थिरता निश्चित रहती है, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, और फ्लो या प्रवाह बहुत तेजी से होता है। ऐसे शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ब्रोकिंग एजेंसी है, कहती है इसमें पैसा लगाओ फटाक से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कब लॉस हो जाए, ठीक है, उसका फ्लो जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, आप बहुत लॉन्ग टर्म उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले वर्ड पर आते हैं, जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड, जंक बॉन्ड, तो ये ऐसा शेयर होता है, जंक बॉन्ड, बॉन्ड आप शेयर बॉन्ड होता है ना, जैसे हम एक, अगर सपोज दैट एक पेपर की बात करें, तो जैसे ये पेपर है, तो ये क्या है, ये शेयर बॉन्ड है। हम रिलायंस में अगर हमने जो है 5,000 रुपये का शेयर लिया, तो रिलायंस हमको क्या करती है, एक बॉन्ड देती है ना, तो इसी को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड में लिखा होता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, ये शर्तें हैं, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उस आधार पर होता है, ठीक। तो जो है ये एक प्रकार का, ये ऐसे शेयर बॉन्ड होते हैं जिनकी रेटिंग कम होती है, जो बहुत लो प्रोफाइल शेयर होते हैं जिनकी रेटिंग कम होती है, लेकिन उसमें जो है जो प्रॉफिट है या लाभ है वो अच्छा होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो बड़े बड़े शेयर बॉन्ड को लेते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा जो बड़ा शेयर बॉन्ड है रिलायंस का, ONGC का, NTPC का, ये ब्लू चिप शेयर बॉन्ड जो है, उनको ब्लू चिप शेयर बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये ब्लू चिप शेयर बॉन्ड जो है वो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, और उसके अलावा छोटी छोटी कंपनियों में कोई प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सी, और उनके शेयर क्या है, 1200, 1500, 2000, 5000 के शेयर हैं, 6000 के, 10000 के शेयर हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो 10 रुपये का शेयर बेच रहा है, 5 रुपये का शेयर बेच रहा है, 1 रुपये का शेयर बेच रहा है, ठीक है, ऐसी भी कंपनियां हैं। तो जो लो प्रोफाइल कंपनियां हैं वो कम रेटिंग की कंपनियां कही जाती हैं, मतलब छोटी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप, ठीक है, मिड कैप। तो वो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के द्वारा उनकी रेटिंग कम होती है, क्योंकि उनके छोटे छोटे शेयर हैं, मतलब छोटे अमाउंट के शेयर हैं, तो उनकी रेटिंग कम होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें रिलायंस का एक शेयर 3000 का है, ठीक, आपको आफ्टर वन मंथ, एक महीने के बाद, इधर आ जाएं, अगर आफ्टर वन मंथ जो है, अगर मान लीजिए ये शेयर आपका 3010 रुपये का हो गया, ठीक, 3000 का आपने शेयर लिया, इन्वेस्टमेंट किया, 3010 रुपये हो गया, कब,
एक महीने के बाद, ठीक। अब आपने उसी समय आपने एक छोटी सी कंपनी का शेयर लिया आपने, ठीक है, और वो आपका शेयर है 100 रुपये का, और ये शेयर भी एक महीने में 10 रुपये का हो गया, सॉरी 110 रुपये का हो गया। तो 10 रुपये यहाँ भी बढ़ा, 10 रुपये यहाँ भी बढ़ा, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट आपने 3000 रुपये में एक शेयर लिया है। अगर इस जंक बॉन्ड यानी कम रेटिंग वाले में आप शेयर लेते तो कितने शेयर लेंगे? 30 शेयर, यानी 30 × 10, ठीक। आपका प्रॉफिट यहां 10 नहीं होगा, 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने बड़ी कंपनी में, अब ये स्टेबल है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, बड़े हो सकता है बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ आप चले जाओ, लेकिन यहां पर भी, यहां पर भी आपको एक प्रॉफिट दिख रहा है जो बड़ा प्रॉफिट दे रहा, बट लो प्रोफाइल, लो रेटिंग के आधार पर। तो ऐसे शेयर बॉन्ड, ठीक है, ऐसे शेयर बॉन्ड या ऐसे कंपनियों के शेयर बॉन्ड जिनकी रेटिंग कम होती है लेकिन उनमें संभावना लाभ की अधिक होती है, ठीक है, प्रॉफिट की संभावना अधिक होती है, उन्हें हम जंक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो जंक बॉन्ड के बारे में आपके सामने ये आया। अब एक शब्द आता है कर्ब ट्रेडिंग। कर्ब ट्रेडिंग, कर्ब ट्रेडिंग ये एक इलीगल ट्रेडिंग है, अवैध तरह से ट्रेडिंग है, व्यापार है। स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एजेंसियां शेयरों की खरीद फरोख्त करती हैं। तो पहले ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तब ये कर्ब ट्रेडिंग का बड़ा यूज़ किया जाता था। अभी इस कर्ब ट्रेडिंग का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी अब यूज शब्द है तो उसको बताना है, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो अब पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज में ऑफलाइन ही सब कुछ होता था, 23-24 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, तो लोग वहाँ पर जो ब्रोकर है उसके थ्रू जो है परचेजिंग करते थे। तो उस स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक पैरेलल मार्केट लगती थी, उसे कर्ब ट्रेडिंग कहते थे, जो अवैध मानी जाती थी, ठीक है। तो अगर जो है एक प्रकार से कहा जाए कि अभी कर्ब ट्रेडिंग वही परिभाषा है कि कर्ब ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग में स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अगर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से शेयरों की ट्रेडिंग हो रही है तो उसे कर्ब ट्रेडिंग कहा जाएगा, मतलब बाय रूल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसे कर्ब ट्रेडिंग कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनियां या ब्रोकर्स जो है ऐसे शेयरों की खरीद फरोख्त करती हैं जो उस समय अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट से पैरेलल मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं, जो फॉल्स मार्केट होती है कैपिटल उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कर्ब ट्रेडिंग करते हैं। और सेबी के अगर नियमों के अंतर्गत देखा जाए तो ये जो है इलीगल है, अवैधानिक है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है राइट इशू। राइट इशू, अगर राइट इशू सही मुद्दा वैसे कहा जाए, लेकिन यहां सही मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो राइट इशू क्या है? राइट है किसी का इशू के लिए, इशू मतलब शेयर, ठीक है, किसी का राइट या इश अधिकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको ये कहा गया कि उसको ये प्राथमिकता देना, इशू के लिए या शेयर के लिए प्राथमिकता देना, ठीक है। तो ये राइट इशू क्या है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर या आईपीओ के लिए अपने उस शेयर होल्डर को प्राथमिकता देती है जिसके पास पहले से उस कंपनी के शेयर हैं, तो उसे कहते हैं राइट इशू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि जो है रिलायंस कंपनी है, उसने ये निर्धारित किया कि भाई हम अपने उन कंज्यूमर्स को पहले प्राथमिकता देंगे, उनको आईपीओ खरीदने में प्राथमिकता देंगे, वो लोग अगर ले रहे हैं जिनके पास हमारे 10 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, तो वो इसका मतलब राइट इशू मान लिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के द्वारा जारी ऐसे शेयर
जो है प्राथमिकता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या प्राथमिकता के आधार पर सेल किए जाते हैं उन्हें हम राइट इश्यू कहते हैं। अब प्राथमिकता या प्रेफरेंस किसके आधार पर होती है? जो व्यक्ति के पास प्रेजेंट शेयर हैं उसके बेसिस पर होती है। ठीक है, अब एक वर्ड लास्ट है और जिसको शेयर मार्केट में बीटा बाजार के नाम से जाना जाता है। ये बीटा बाजार क्या है? तो देखिए, इस ये वर्ड वो टर्मलॉजी है, वो तकनीकी वर्ड है जिसके द्वारा शेयरों की एनालिसिस की जाती है, शेयरों का मेजरमेंट किया जाता है या शेयरों की एनालिसिस किया जाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक शेयरों के बीच तुलना या उनकी एनालिसिस जो है वो बीटा बाजार के अंतर्गत की जाती है, जिसके आधार पर किसी को ये बताया जाता है कि आप ये शेयर लेंगे तो इसमें ये प्रॉफिट होगा, इसमें ये लॉस होगा, इसी के बेसिस पर ये बताया जाता है। ये टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है। अगर हम ये कहें तो ये बोला जाता है बीटा इज़ अ स्टैटिक, जो स्टैटिक्स का वैल्यू है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, ठीक है, टू मेजर द शेयर, ठीक है, तो शेयर को जो है वो मेजर करने के लिए और उसके जो प्राइस चेंज हैं उसका अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बीटा बाजार जो है वो आज के समय में, अगर हम कहें कि आज की ऑनलाइन ट्रेडिंग में, ऑनलाइन ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में बीटा बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा हजारों लाखों शेयर्स जो हैं कंपनियों के, उनके जो है वो कहीं ना कहीं स्टैटिकल बेसिस पर उनके वैल्यू निर्धारित किए जाते हैं और उसके आधार पर उनको कंपेयर किया जाता है, जिसके आधार पर ये रहता है कि किस में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसी बेसिस पर ब्रोकर्स जो है शेयर होल्डर्स को ये बताते हैं कि आपको ये शेयर में इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो कुछ कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शब्द थे जो मैंने आपको बताए। अब बच्चों, आप इकोनॉमी के अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके बेसिस पर आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले एक टेस्ट होगा जो गूगल फॉर्म के लिंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप ये समझ लीजिए कि उसमें जो है ये ज़रूर आप जानिए कि उसमें जो भी टेस्ट होता है उसमें आप कोई जो है किसी के कॉपी नहीं कर सकते, और उस समय एक टाइम बॉन्ड अगर है तो आप बहुत ईमानदारी से वहाँ पर अपना पेपर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको ये कहता हूँ कि यार इकोनॉमी का एक टेस्ट है जो है इकोनॉमी वीडियो वन से वीडियो टेन, ठीक, तो अगर अब आप सोचिए क्या एक दिन में पॉसिबल है कि सारे वीडियो देख लिए जाएं? नहीं हो सकता। तो अगर ये कहा गया आपको, जैसे सपोज दैट कल आपका एक टेस्ट होगा इकोनॉमी वन टू इकोनॉमी टेन, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम ये कहते हैं कि कल एक टेस्ट है, तो क्या कल सुबह जब शेड्यूल जाएगा तो आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो? दिन भर में आप वीडियो देख लोगे, मैं शाम को टेस्ट रखूंगा तब भी आप नहीं देख पाओगे, अगर देखोगे तो तब भी तैयार नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पर डे जो आपको टास्क दिया जा रहा है उसको आप जो है वो तैयार करते रहिए नोट्स के द्वारा, अपना नोट्स जो है अपडेट होता रहे। और जब आपको ये बोला गया कि टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 कुछ भी बोला जाए, तो यार वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 का मेरे पास नोट्स है, हमें वीडियो नहीं देखना है, वीडियो तो हम पहले देख लें, हम क्या करें नोट्स देख लें, नोट्स को पलट लें, नोट्स को पढ़ लें बस। ओके, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि जब टेस्ट होगा तब देख लेंगे फिर, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी कॉम्पिटिशन के लिए तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप कोशिश करिए। अब अगली मुलाकात हम लोगों की नेक्स्ट लेक्चर में जो होगी नए टॉपिक के साथ होगी, जो भी आपका शेड्यूल है टॉपिक का। ठीक है, और आप अपने को सेफ रखिए। थैंक यू।
We'll be right back.